रूस ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने बुधवार रात उसके कई सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 50 यूक्रेनी ड्रोन, मिसाइलों और छोटे आकार के गुब्बारों को रोका। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वायु रक्षा बलों ने यूक्रेन की सीमा से लगे बेलगोरोड, रोस्तोव और वोरोनिश क्षेत्रों में 2 तोचकायु, मिसाइलों, रॉकेट, ड्रोन और 5 छोटे आकार के गुब्बारों को रोका। हाल के महीनों में इन क्षेत्रों को कई ड्रोन और मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के लिए यह एक कठिन सप्ताह रहा है। कीव ने देखा है कि कैसे इजरायल के पश्चिमी साझेदारों ने पिछले शनिवार को बड़े पैमाने पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले से राज्य की रक्षा करने में मदद करने के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया था। मित्र देशों की ठोस प्रतिक्रिया ने यूक्रेन के नेतृत्व को यह पूछने के लिए प्रेरित किया कि उसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदार यूक्रेन के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़ेलेंस्की ने कल रात यूरोपीय संघ के नेताओं से कहा कि यूक्रेन इजरायल के समान सुरक्षा का हकदार है। जर्मन अधिकारी का कहना है कि रूस 5 से 8 साल में नाटो पर हमला करने के लिए तैयार हो सकता है। रॉयटर्स के अनुसार जर्मनी के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने कहा कि रूस 5 से 8 वर्षों में नाटो पर हमला करने के लिए तैयार हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल कार्स्टन ब्रेयर ने संवाददाताओं से कहा कि यूक्रेन में युद्ध के कारण कमजोर हुई अपनी सेना को फिर से संगठित करने के बाद मॉस्को पश्चिमी सैन्य गठबंधन के सदस्यों पर हमला करने के लिए तैयार हो सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बुधवार को पोलैंड की यात्रा के दौरान पत्रकारों से कहा, तब तक हमारे विश्लेषण के आधार पर रूस ने अपनी सेना को इस हद तक पुनर्गठित कर लिया होगा कि नाटो धरती पर हमला संभव हो सके। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह होगा, लेकिन यह संभव हो सकता है। हम जो देखते हैं वह 5 से 8 वर्षों में खतरा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन चिंताओं को खारिज कर दिया है कि नाटो को सीधे रूस द्वारा निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने अक्सर चेतावनी दी है कि अगर देश और उसके परमाणु शस्त्रागार को लगता है कि उनकी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है, तो वे तैनात होने के लिए तैयार हैं। रूसी रक्षा खर्च और सैन्य हार्डवेयर का उत्पादन बढ़ गया है क्योंकि देश आने वाले वर्षों में यूक्रेन में अपनी सेना की आपूर्ति करना चाहता है, लेकिन ब्रेयर ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि रूस सैन्य उपकरणों को रोक रहा है। ब्रेयर ने कहा, हम देख रहे हैं कि रूस बहुत सारी युद्ध लड़ने वाली सामग्री का उत्पादन कर रहा है और वह इस सारी सामग्री को यूक्रेन में अग्रिम पंक्ति में नहीं रख रहा है, इसलिए 2029 में हमें तैयार रहना होगा। तत्काल हवाई सुरक्षा की अपील के बीच यूक्रेन ने राजनयिक प्रयास तेज कर दिए हैं। हाई प्रोफाइल बैठकों और शिखर सम्मेलनों के बीच यूक्रेन के शीर्ष अधिकारी तत्काल हवाई सुरक्षा और हथियारों की मांग बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने गुरुवार को कैपरी में 7 विदेश मंत्रियों के समूह की बैठक के मौके पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। कुलेबा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उन्होंने यूक्रेन को जल्द से जल्द अधिक पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और मिसाइलें प्राप्त करने के लिए उनके संयुक्त वैश्विक प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। कुलेबा ने कहा कि अधिकारियों ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पूरक सहायता पैकेज पारित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसकी कीमत लगभग $61 बिलियन है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शामिल ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन से भी मुलाकात की थी। उन्होंने एक्स पर कहा कि हम वित्तीय सहायता सहित कांग्रेस में यूक्रेन के लिए सहायता पैकेज के तेजी से अनब्लॉक होने पर भरोसा कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने बुधवार को चेतावनी दी कि रूसी सेना युद्ध में बढ़त हासिल कर रही है क्योंकि यूक्रेन के पास हथियार और वायु रक्षा प्रणालियां नहीं है जिनकी उसे जरूरत है। रूसी सेना सशस्त्र घटक से संबंधित लगभग हर चीज में अपनी ताकत महसूस करती है और यह इस ताकत के कारण ही है तोपखाने में, उपकरण में, आकाश में काम करने की क्षमता में कि वे मोर्चे पर हम पर दबाव डाल रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने यूरोपीय संघ के नेताओं को वीडियो लिंक के माध्यम से बताया। उन्होंने कहा, पुतिन को अब उम्मीद है कि वह अपने जवाबी हमले में सफल होंगे और इस उम्मीद की एकमात्र जड़ हमारे सैनिकों के बीच हथियारों की कमी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव अमेरिकी समर्थन पैकेज पर कांग्रेस का उचित निर्णय लेने के लिए
अमेरिका के साथ काम कर रहा था और यूरोपीय नेताओं से हमारे अमेरिकी भागीदारों के साथ संचार में शामिल होने के लिए कहा ताकि उनका समर्थन वास्तव में हो सके। ज़ापोरिज़्या बिजली संयंत्र के अधिकारियों ने यूक्रेन पर प्रशिक्षण केंद्र पर गोलाबारी का आरोप लगाया। दक्षिणी यूक्रेन में कब्जे वाले ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र ZNPP में रूस द्वारा स्थापित अधिकारियों ने गुरुवार को यूक्रेनी बलों पर सुविधा के भीतर एक प्रशिक्षण केंद्र पर गोलाबारी करने का आरोप लगाया।